हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो हेल्थ से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से साइंटिस्ट आज के दुनिया में कह रहे हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू हेल्थ, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया या हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए, तो ये सब हो रहा है नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी घटते जा रहा है नॉनवेज खाने से। इन शॉर्ट उनका कहना है कि ये हेल्दी नहीं है, और उनका ये कहना है कि वेजिटेरियन खाना खाने से आपका मन और आपकी हेल्थ दोनों शांत रहता है, दोनों अच्छे कंडीशन में रहता है। ये साइंटिस्ट का कहना है। आप गूगल कर सकते हैं, आपने कहीं पढ़ा भी होगा शायद, फेसबुक पे या किसी ने पोस्ट किया तो आपने शायद देखा भी होगा। अगर नहीं देखा हुआ तो आप चेक कर सकते हो। अब इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा सटल तरीके से बात करूँगा कि एक्चुअली ये क्यों है, थोड़ा डीप में जाके बात करूँगा। इसे ऐसे समझिए, जब आप नॉनवेज खरीदने जाते हो, लेट से आप चिकन खरीदने जा रहे हो या मटन खरीदने जा रहे हो, तो जब वो जानवर को मारते हैं तो उसे आप देखिएगा किस तरह से बेरहमी से वो तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है, मतलब दम तोड़ देता है। वो चिकन हो या गोट मटन कुछ भी ले लीजिए, जब उसे मारते हैं तो उसकी हालत देखिएगा, तड़प तड़प के दम तोड़ देता है वो। मानो वो ऐसा कह रहा हो कि हमें भी जीने का अधिकार है, हमें जीने तो ऐसा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसे रियलाइज़ होता है कि मैं मरने वाला हूँ, उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी होती है कि उसके ऊपर एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम एंगर आता है उसके मन में, उस पर्टिकुलर जानवर के मरने से पहले। इसलिए वो तड़पते रहता है ऐसे, जैसे कि क्या हो रहा है ऐसा वो तड़पते रहता है। तो जब ऐसी मेंटल कंडीशन होती है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं बॉडी पे, और वो वैसे के वैसे ही रहते हैं मरने के बाद भी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, पता नहीं आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, आप इसे देख सकते हो गूगल पे। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, दो ग्लास लिए गए थे, दो ग्लास में बराबर लेवल का पानी भरा गया था, और एक ग्लास में जो पानी था उसे कहा गया था कि बहुत अच्छा पानी है, बहुत साफ़ सुथरा पानी है, और दूसरे ग्लास में कहा गया था कि गंदा पानी है, पीने लायक पानी नहीं है, बहुत गंदा टेस्ट है इसका, बिल्कुल अच्छा पानी नहीं है, ऐसा कहा गया था। और जब इसे बार बार किया गया था, फिर बाद में जब दोनों ग्लास के पानी को जब एक एक ड्रॉप निकाल के जब माइक्रोस्कोप पे देखा गया था तो दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस था। जिसको अच्छा पानी बोला गया था उसका एक बूंद का पानी जब माइक्रोस्कोप में लिया तो उसमें दिखा कि बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे फूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है दिखने में, वैसा स्ट्रक्चर उसका था। और जिस पानी को गंदा बोला गया था उसका जब स्ट्रक्चर मतलब चेक किया माइक्रोस्कोप में तो बहुत ही भद्दा सा दिखने वाला था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था वो स्ट्रक्चर। तो ये होता है इफ़ेक्ट बोलने का, अपने थॉट का और इमोशन का। तो इसे ऐसे समझिए कि जो थॉट है और जो एनर्जी है, जो इमोशन है आपके, वो एक एनर्जी है, और एनर्जी इनफैक्ट क्या है, सटल वे में वाइब्रेशन है। आप इसे यूँ समझिए कि जब कोई आदमी गुस्सा करता है, गुस्सा क्या होता है, एक नेगेटिव इमोशन है, तो जब गुस्सा करता है उसके तुरंत बाद उसका जब ब्लड आप चेक करोगे माइक्रोस्कोप पे, उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिखेगा। इनफैक्ट वो जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपके ऊपर ही हावी हो रहा है ऐसे। तो जब वो जानवर मरता है उसके ऊपर
जो उस वक्त जो मरने के मरने मरने वाला होता है उसकी एक्सट्रीम स्टेट ऑफ फियर के वजह से उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और आप वही खा रहे हो। इसके वजह से क्या होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हर क्रीचर में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो वो खाने से क्या हो रहा है कि आपकी जो तमस गुण है, जिसमें एंगर, लस्ट, फियर, ये जो इमोशन है, ये हावी होते हैं। तो ये खाना, ये जो नॉनवेज खाने से क्या होता है, आपकी जो तमस गुण है वो बढ़ता है, और तमस गुण जब बढ़ता है तो आपकी आपकी जो आपकी जो हेल्थ उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट करता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो आप बार अपने कई बार देखा भी होगा जो नॉनवेज खाते हैं उनका बिहेवियर जो है काफ़ी हद तक गुस्सैल, चिड़चिड़ा ऐसा ऐसा रहता है, और उनमें लस्ट काफ़ी काफ़ी ज़्यादा भी होता है जो नॉनवेज खाते। आपने गौर से देखना कभी भी, जो भी नॉनवेज खाने वाले जो लोग होते हैं, रेगुलर खाने वाले, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम खाने वाले लोग जो होते हैं, उनका बिहेवियर देखना, उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लस्ट, ये सब इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो वेजिटेरियन खाते हैं उनमें मोस्टली आप देखिएगा कि उनका मन सात्विक रहता है, शांत रहता है। तो खाने की वजह से भी आप खाना भी आपके मन के ऊपर इफेक्ट करता है। यदि आप नॉनवेज खाओगे तो आपका तमस गुण बढ़ेगा, तो यदि आप वेज खाओगे तो आपका सात्विक गुण स्ट्रांग रहेगा, उससे आपका मन शांत रहेगा। तो ये मेरा तात्पर्य था इस टॉपिक पे बात करने का। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से अपने आप से डिसाइड कीजिए कि आपको खाना है या नहीं खाना है। ये आपके हेल्थ के लिए ही मैं ये वीडियो बनाया है। आप इस पर ज़रा डीप विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि खाना चाहिए या नहीं। मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि नहीं मत खा, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, आपके ऊपर है। यदि आपको आपकी हेल्थ ज़्यादा प्यारी है और आपको शांत रहना है तो आप वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं और नॉन वेज छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर, एंटायरली योर चॉइस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।